नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि प्रतिकूल कब्जा हुआ होता है यदि कोई व्यक्ति किसी जमींदार द्वारा बचाया गया और वर्षों से उसका कब्जा बारी है, घर द्वार है, परंतु उसके पास में कोई लिखित सबूत नहीं है, उस जमीन का कोई पेपर उसके पास नहीं है। और इस तरह के जो कब्जाधारी हैं, जो किसी भूमि पर, किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर वर्षों से घर मकान बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं, तो ऐसे कब्जाधारी जो हैं वह प्रतिकूल कब्जाधारी कहलाते हैं। परंतु परिस्थितियां बदल जाती है, जिनने बसाया तो वैसे व्यक्ति द्वारा कोई लिखित सबूत नहीं दिया गया, न तो उसके पास दान पत्र का कोई कागज है, न ही वसीयत है, वह मौखिक तौर पर बसाया गया और जब वह गुजर गए तो आज उनके वारिसान उन्हें लिखित तौर पर कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं उसे बेकब्जा करना, उसे भगाना चाहते हैं और तरह तरह से परेशान करते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जाधारी के पास उस जमीन का पेपर, उस जमीन का डिग्री होना आवश्यक हो जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी प्रतिकूल कब्जाधारी हैं जिनके पास खतियान भी होता है, परंतु पूर्ण भू स्वामित्व उसे प्राप्त नहीं होता है और ऐसे खतियान के आधार पर वह जमीन का पूर्ण भू स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता है, न ही वह जमाबंदी रैयत हो सकता है। और ऐसे खतियानधारी जो हैं वह शिकमी खाताधारी कहलाते हैं। आपने मकान में शहन का नाम सुना होगा कि कुछ ऐसे भी शिकमी जमीन होते हैं जो मकान में शहन कहलाते हैं। तो मकान में शहन का खतियान होने के बावजूद उस आधार पर आप अपने अंचल कार्यालय में जमीन का रसीद नहीं कट सकते, आप एक जमाबंदी रैयत नहीं हो सकते हैं। और जमाबंदी रैयत बनने के लिए आपको न्यायालय के डिग्री की आवश्यकता होती है। तो जब कोई भी प्रतिकूल कब्जाधारी, उसके पास में खतियान हो वा ना हो, उसे प्रतिकूल कब्जा का मुकदमा करना है, न्यायालय में उसे एडवर्स पोजीशन का केस करना है, तो उसके लिए उसके पास में कुछ सबूत होना आवश्यक होता है। और इस सबूत के अभाव में आप एडवर्स पोजीशन का मुकदमा न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड ऑफ राइट जो शिकमी का है वह आवश्यक है। और जिनके पास में रिकॉर्ड ऑफ राइट का पेपर नहीं है, वह उस भूमि का राशन कार्ड उसके पास में होना चाहिए। और उस जगह आप निवास करते हैं तो निश्चित है कि उसका वार्ड नंबर अलग होगा और इस वार्ड नंबर का आपके पास में वोटर लिस्ट होगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, आपके दादा का भी नाम हो सकता है। तो ये वोटर लिस्ट जो है वह भी प्रतिकूल कब्जा का एक पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं बल्कि सबूत के तौर पर ऐसे प्रतिकूल कब्जाधारी के पास बिजली का कनेक्शन भी आवश्यक होता है। तो बिजली कनेक्शन का जो पेपर है वह भी सबूत के तौर में काम आता है। कुछ लोगों के पास उस प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इंदिरा आवास का आवंटन हुआ है और यदि इंदिरा आवास के आवंटन का पेपर है तो वह भी प्रतिकूल कब्जा का एक पुख्ता सबूत है। और सबूत के तौर पर आप जैसे कि ये तो देहात के लोगों के लिए मैंने आपको बताया, जहाँ तक शहरी क्षेत्र के जो कब्जाधारी हैं
उनके पास में राशन कार्ड, बिजली का बिल और निगम क्षेत्र का उसके पास में रसीद चाहिए। तो इन सारे सबूत को इकट्ठा करके ही आप न्यायालय में प्रतिकूल कब्जा का मुकदमा दायर कर सकते हैं और डिग्री प्राप्त करने के बाद आप पूर्ण भूस्वामित्व का आधार बना सकते हैं और इस आधार पर, इस न्यायालय के डिग्री के आधार पर आप एक जमाबंदी रैयत हो सकते हैं और पूर्ण स्वामित्व का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।